हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी है, जिसका हेडिंग है उर्दू अपनी ज़ुबान, क्लास 8 चैप्टर नंबर 15, वतन की तरफ वापसी और इसका हल। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का उर्दू अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 15 का सोल्यूशन और उसका हल है। यानी चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो भी होमवर्क दिया गया है उसको इसके अंदर हल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लफ्ज़ और माना को दिया गया है। महसूल ये लफ्ज़ है, इसका माना है टैक्स। नासूर ये लफ्ज़ है, इसका माना है न भरने वाला ज़ख्म। ताजिरों ये लफ्ज़ है, इसका माना है तजारत करने वाला। ताजिर की जमा ये बता रहा है कि ताजिरों, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है। कारकुन लफ्ज़ है, इसका माना है काम करने वाला। फ़राइज़ ये लफ्ज़ है, इसका माना है मुकर्रर। फ़र्ज़ की जमा ये बता रहा है कि फ़र्ज़ सिंगुलर है और फ़राइज़ प्लुरल है। मुमताज़ ये लफ्ज़ है, इसका माना है दूसरों में नुमाया। फयाजी ये लफ्ज़ है, इसका माना है दूसरों को फैज़ पहुंचाना, सखावत करना। मुरव्वत ये लफ्ज़ है, इसका माना है दूसरों का ख़ास ख्याल रखना। मश्क ये लफ्ज़ है, इसका माना है किसी काम को बार बार करना। बेनफसी ये लफ्ज़ है, इसका माना है अपने को कुछ ना समझना। इसार ये लफ्ज़ है, इसका माना है क़ुरबानी। मुआवजा ये लफ्ज़ है, इसका माना है उजरत। यहाँ मुराद है बदला। मतलब यह है कि कहानी के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुआवजा, उसका माना वहाँ पर है बदला। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है सोचिए और बताइए, जिसको आप क्वेश्चन आंसर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सबसे फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, गांधी जी जुनूबी अफ्रीका क्या काम करते थे? इसका जवाब है, गांधी जी जुनूबी अफ्रीका में वकालत किया करते थे और तालीमी अंजुमन चलाया करते थे। सवाल नंबर दो है, जहाज़ के सफ़र में गांधी जी की किन लोगों से दोस्ती हुई? इसका जवाब है, जहाज़ के सफ़र में गांधी जी की मुलाकात दो अंग्रेज़ों से हुई। उनमें से एक के साथ वो उर्दू पढ़ते और दूसरे के साथ रोज़ाना एक घंटे शतरंज खेला करते थे। सवाल नंबर थ्री है, गांधी जी ने उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए किससे मदद ली? इसका जवाब है, गांधी जी ने उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए जहाज़ में बैठे एक मुंशी जी से मदद ली थी। सवाल नंबर फोर है, जुनूबी अफ्रीका की लड़ाई किन लोगों के लिए थी? इसका जवाब है, जुनूबी अफ्रीका की लड़ाई गरीबों के लिए थी और गरीब ही इस लड़ाई में दिलो जान से शरीक थे। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। यानी बीच के कुछ जुमले दिए गए हैं, उसमें से कुछ लफ्ज़ को हटा दिया गया, वहाँ पर सही लफ्ज़ चुनकर भरना है। मेरी वकालत अच्छी खासी चलती थी। यहाँ पर रेड कलर में आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, अच्छी। यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊँ तो कुछ कौमी खिदमत भी हो जाएगी, कुछ का लफ्ज़ जो है रेड कलर में, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जुनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज्जत की नज़र से देखे जाते थे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इज्जत रहेगा आपका। मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त भी मेरे साथ उर्दू पढ़ता था। दोस्त और उर्दू, ये दोनों लफ्ज़ जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा रेड कलर में। मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद भी ये मुताला जारी रख सकूंगा, मगर ये बिल्कुल नामुमकिन था। मगर का लफ्ज़ जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। गरीबों ही के लिए ये लड़ाई थी और गरीब ही इसमें दिलो जान से शरीक थे। दिलो जान इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और इसी तरीके से गरीबों, ये दोनों लफ्ज़ आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा रेड कलर के अंदर जो है। एक्सरसाइज का अगला पार्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कुछ लफ्ज़ दिया हुआ है उससे जुमला बनाना है। इज्जत एक जुमला बनाना है, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अखलाक से एक जुमला, अखलाक गांधी जी और उनके दोस्तों के अखलाक बुलंद थे। अज़ीज़ इससे एक जुमला बनाना है, तालिबे इल्म को अपनी किताबें अज़ीज़ होनी चाहिए। अकीदत से एक जुमला बनाना है, हिंदुस्तानी लोग अपने पीरों से अकीदत रखते हैं। खुशगवार से एक जुमला बनाना है, आज मौसम खुशगवार है। मुआवजा इससे एक जुमला बनाना है, लोगों को अपने काम का मुआवजा अदा कर देना चाहिए।
एक्सरसाइज का अगला पार्ट है वाहिद जमा बनाएं, यानी वाहिद से जमा बनाइए। ताजिरों ये जमा है, इसका वाहिद है ताजिर। कारकुन ये वाहिद है, इसका जमा है कारकुनान। हमवतनों ये वाहिद है, ये जमा है, इसका वाहिद है हमवतन। नुकसान ये वाहिद है, इसका जमा है नुकसानात। यानी जो वाहिद होगा उसका जमा बना देना है, जो जमा है उसका वाहिद बना देना है। इख्तियारात ये जमा है, इसका वाहिद इख्तियार है। ख्याल ये वाहिद है, इसका जमा ख्यालात है। उम्मीद वाहिद है, इसका जमा उम्मीदें हैं। इसी पर वीडियो ख़त्म होता है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के लिए।